गाजा युद्ध में इसराइल का पलड़ा भारी है, लेकिन अब हमास ने इसराइली सेना के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। हमास की स्पेशल ब्रिगेड ने गाजा में कदम कदम पर मौत का जाल बिछा दिया है। इस जाल में फंसकर इसराइली सैनिकों की मौत हो रही है। युद्ध में नुकसान एक तरफा नहीं होता और गाजा में भी यही हो रहा है। आईडीएफ के जवान गाजा की गलियों में राइफल लिए हमास के लड़ाकों का शिकार करने निकले, लेकिन सिर्फ हमास के ठिकाने ही नष्ट नहीं हो रहे। हमास के ठिकाने नष्ट करने की कोशिश में इजरायली सेना के जवानों को भी जान गंवानी पड़ रही है, क्योंकि हमास ने आईडीएफ के खिलाफ बड़ी घेरेबंदी की है, क्योंकि हमास के लड़ाके घात लगाकर इजरायली फौज पर हमले कर रहे हैं। इजरायल के टैंकों के करीब पहुंचकर आईडी हमले किए जा रहे हैं। इजरायल के जवानों को ट्रैप में फंसाकर मारा जा रहा है। गाजा की संकरी गलियों में छिपे हमास के लड़ाके घात लगाकर कुछ इस तरह इजरायली सेना के टैंकों को निशाना बना रहे हैं। हमास के लड़ाके टैंक के नजदीक पहुंचकर आईडी हमले कर रहे हैं। गाजा के ठिकानों में छिपे हमास के लड़ाके मकानों में सर्च ऑपरेशन चलाती इजरायली सेना की टुकड़ी पर आरपीजी से हमले कर रहे हैं। गाजा में जगह जगह हमास ने ट्रैप बिछा दिए हैं और इनमें फंसकर इजरायली सेना के जवान मारे जा रहे हैं। हमास के स्नाइपर इजरायली टोली को टारगेट कर रहे हैं। तेरह दिसंबर को हमास ने घात लगाकर इजरायली सेना पर सबसे बड़ा हमला किया। तेरह दिसंबर को हमास ने खान यूनिस में इजरायली सेना के जवानों को ट्रैप में फंसाया। इस हमले में एक साथ इजरायल के 10 जवान मारे गए। ये वीडियो गाजा के खान यूनिस का है। इस वीडियो में इजरायल के जवान हमास के लड़ाकों को मारने का ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन ये हमास की सोची समझी रणनीति थी। हमास ने खान यूनिस में ट्रिपल ट्रैप लगाया। एक इमारत में सबसे पहले आईडीएफ रेड पार्टी फंस गई। फंसे जवानों को बचाने के लिए दूसरी टोली भेजी गई। दूसरी टोली के पहुंचते ही हमास ने धमाका कर दिया। जवानों को रेस्क्यू करने आई आईडीएफ की तीसरी टोली पर भी घात लगाकर हमला किया। ट्रिपल ट्रैप हमले में 10 जवानों की मौत हो गई। बीते 48 घंटे में गाजा के अंदर आईडीएफ के करीब 50 जवानों की मौत हुई है। अल कसाम ने कहा है कि शेख रादवान में इसराइल के 8 टैंक नष्ट कर दिए गए हैं। इस बात की आशंका पहले ही जताई गई थी कि खान यूनिस में जंग बहुत भयानक होने वाली है, क्योंकि ये हमास का सबसे बड़ा गढ़ है और यहाँ हमास ट्रैप बिछाकर घात लगाकर इजरायल पर हमला करेगा। हमास के लड़ाके गाजा में कई तरह के ट्रैप का इस्तेमाल कर रहे हैं।
गाजा के युद्ध में इसराइल के साथ साथ अमेरिका भी बुरी तरह से फंस गया है। नेतन्याहू और जो बाइडेन के लिए मुश्किलें कम होने की बजाय लगातार बढ़ती ही नजर आ रही है। अमेरिका पर सीज फायर के लिए दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन नेतन्याहू ऑपरेशन रोकने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अमेरिका खुद को बचाने के लिए किसी भी वक्त इसराइल का साथ देने से मना कर सकता है। गाजा में यह तबाही का सबसे नया तूफान है। इसराइल की बमबारी से गाजा की धरती समतल होती जा रही है। गाजा में अब इमारतें कम और मलबा ज्यादा है। इसराइल के हमलों से गाजा की धरती खून से लाल होती जा रही है। गाजा में अब तक का सबसे बड़ा संहार हो चुका है, लेकिन विनाश का जो बवंडर है वो शांत होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। 24 घंटे से इसराइल के हमले बहुत तेज हो गए। गाजा से लेकर वेस्ट बैंक और राफा तक विनाश का दहलाने वाला मंजर। इसराइल के हमले इसलिए अब और ज्यादा तेज हो गए हैं क्योंकि उसके पास अपने ऑपरेशन को खत्म करने के लिए बहुत कम वक्त बचा। इसराइल को डर है कि वो आने वाले वक्त में अलग थलग पड़ जाएगा। अमेरिका भी उसे मदद देना बंद कर देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गाजा में जितना बड़ा नरसंहार हो रहा है उसे अमेरिका बहुत ज्यादा दिनों तक सही नहीं ठहरा सकता। आशंका है कि अगर इसराइल ने जल्द ही बमबारी नहीं रोकी, उसका ऑपरेशन जल्द ही खत्म नहीं हुआ, तो अमेरिका भी मदद से अपना हाथ पीछे खींच लेगा। इस बात का एहसास इसराइल को भी है। यही वजह है कि इसराइल ने अकेले दम पर जंग लड़ने की तैयारी कर ली है। इसराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने ऐलान किया है कि कोई देश साथ दे या ना दे, इसराइल का ऑपरेशन गाजा तब तक जारी रहेगा जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता। इसराइल अपने रुख पर अड़ा हुआ है। यही वो बात है जिससे बाइडेन की टेंशन बढ़ गई है। गाजा युद्ध की वजह से सुपर पावर अमेरिका बुरी तरह फंस गया है। एक तरफ बहुत बड़ा रक्तपात हो रहा है, इसके लिए दुनिया के तमाम देश अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दूसरी तरफ इसराइल अमेरिका की बात मानने को तैयार नहीं। कत्लेआम की वजह से गाजा और वेस्ट बैंक में हमास के लिए समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। वेस्ट बैंक में एक सर्वे हुआ जिसमें 88% लोगों ने न सिर्फ हमास का समर्थन किया बल्कि इन्होंने कहा कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब गाजा की धरती पर इसराइल के हमले की वजह से जो खून बह रहा है उससे हमास को फायदा हो रहा है। इस बात को इसराइल ने पहली बार स्वीकार किया है। जाहिर है इसराइल के हमले में गाजा के जो बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं उसी से हमास मजबूत हो रहा है और इसराइल कमजोर। और रिपोर्ट ये भी आ रही है कि अगर इसराइल ने अमेरिका के कहने पर बमबारी नहीं रोकी और गाजा में आम लोगों का संहार इसी तरह से जारी रहा तो अमेरिका इसराइल को साथ देना बंद कर सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि बाइडेन ये कदम इसलिए उठा सकते हैं ताकि हजारों लोगों का कत्लेआम का दाग अमेरिका के दामन पर ना लगे। ये रिपोर्ट देखिए। बमबारी और सबसे बड़ा रक्तपात, यही वो दो वजह है जिससे वेस्ट बैंक में हमास नायक और इसराइल खलनायक बन गए। नेतन्याहू और उनकी सेना गाजा से हमास को पूरी तरह मिटा देना चाहती। नेतन्याहू ने यह भी ऐलान कर दिया
कि युद्ध के बाद गाजा की सत्ता हमास के हाथ में नहीं होगी। लेकिन हमास चीफ हानिया ने ऐलान कर दिया है कि हमास के बिना गाजा की कल्पना एक भ्रम है। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर नेता हुसैन शेख ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने जो कहा है उस पर अमल करें, गाजा में तत्काल युद्ध विराम करवाएं, सीज फायर नहीं हुआ तो हालात बहुत भयावह हो जाएंगे। इसी तरह अरब देश भी अमेरिका पर लगातार दबाव डाल रहे हैं। दिक्कत यह है कि नेतन्याहू बाइडेन की बात मानने को तैयार नहीं, लिहाजा अमेरिका गाजा की जंग में बुरी तरह फंस गया है। युद्ध के इस भंवर से बच निकलने के लिए बाइडेन ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलीवन को इजराइल भेज दिया है। संसद कांड के मास्टरमाइंड का बड़ा खुलासा हुआ है। चार आरोपियों के फोन को राजस्थान में फेंका गया। ललित झा ने चार आरोपियों के फोन को नष्ट किया। कई महीनों से संसद कांड की तैयारियां की गई थी। ललित झा जिसने कल आखिरकार रात 10 बजे सरेंडर किया। अब जानकारी ये सामने आ रही कि ये ललित झा ही था जिसने चार आरोपियों के फोन को राजस्थान में नष्ट किया, जो जानकारी सामने आ रही है। हालांकि क्या मास्टरमाइंड यही था या फिर कोई और था जिसका दिमाग इस पूरी साजिश के पीछे था, अब इसकी जानकारी ली जाएगी। और अगली बड़ी खबर है, संसद का एंट्री पास आसानी से नहीं मिल रहा था। सभी आरोपियों को संसद पास के लिए कहा था। पूछताछ में ललित झा का बड़ा खुलासा, दिल्ली से भागकर राजस्थान गया था ललित झा। ललित झा भी संसद परिसर के पास मौजूद था। और एक और बड़ा खुलासा जो हो रहा है, यह आपको बताया, संसद कांड में दो और लोग गिरफ्तार हुए, महेश और कैलाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो महेश और कैलाश नाम के दो और आरोपी हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है संसद स्मोक कांड को लेकर। तो ये आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अभी तक अगर बात की जाए तो जिस तरह से कल जहां पांचवी गिरफ्तारी हुई, जब ललित झा ने खुद को सरेंडर किया थाने पहुंचकर, इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ललित झा को सौंप दिया गया। वहीं अब खबर यह भी सामने आ रही, बहुत बड़ी अपडेट ये कि महेश और कैलाश नाम के दो और आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इन सब से पूछताछ की जा रही है, इन सब से जाना जा रहा है कि आखिर इनका मोटिव क्या था, मकसद क्या था और क्या इन सबको लेकर जो पूरी साजिश रची गई इसमें फंडिंग किसी और की तरफ से दी गई थी, प्लानिंग कहां पर रची गई थी, आखिर गुरुग्राम मुंबई मैसूरू ये सारे कनेक्शन क्या निकल कर सामने आ रहे, जहां पर बताया जा रहा है कि बकायदा मुलाकात हुई थी। पुनीत शर्मा इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए। पुनीत, ललित झा ने कल आखिरकार सरेंडर किया, उससे तमाम जानकारियां हासिल हो रही, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है कि कैलाश और महेश नाम के दो और जो आरोपी है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, क्या डिटेल्स? देखिए, इस पूरे मामले में ललित मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। कल देर रात को ललित ने कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन पर जाकर के सरेंडर किया है। दरअसल ललित उस वक्त यहां पर मौजूद था जब नीलम और अमोल संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, स्मोक क्रैकर चला रहे थे। तो ललित वो शख्स था जो अपने मोबाइल से सारे वीडियोज बना रहा था और उसके बाद इन चारों आरोपियों के फोन लेकर के ललित राजस्थान फरार हो गया था। पुलिस की टीम लगातार उसको तलाश रही थी और लोकेशन उसकी नीमराला मिली थी, लेकिन जब वो नीमराला पहुंची तब तक ललित वहां से फरार हो गया था। बताया जा रहा है कि ललित नागौर पहुंचा था और वहां अपने दोस्त महेश से मिला। महेश ने ही ललित को एक होटल में कमरा दिलाया जिसके बाद वो वहां पर रुका और न्यूज चैनल के जरिए तमाम अपडेट्स ले रहा था कि आखिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची। इसके बाद पिछले कई घंटों की पूछताछ में जो ललित ने बताया वो यही है कि उसे लगा कि स्पेशल सेल उस तक पहुंच जाएगी, तब उसने अपने दोस्तों से बातचीत की और उसके बाद दिल्ली आया और कर्तव्य पथ जाकर के उसने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने इस पूरे मामले में महेश और कैलाश नाम के दो और आरोपियों को हिरासत में लिया। उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है यह भी पता किया जा रहा है, क्योंकि महेश वो शख्स है जिसने फरार होने में, भागने में और छिपने में ललित की मदद की थी। ये पूरी प्लानिंग ये स्पेशल सेल का दफ्तर है जिसमें लगातार उससे पूछताछ की जा रही है ललित से, और ये खुलासा हुआ है कि ये प्लानिंग काफी लंबे समय से चल रही थी, क्योंकि ललित भी भगत सिंह फैन क्लब से जुड़ा हुआ है। और बताया जा रहा है कि पूछताछ में ललित ने बताया कि पास एंट्री कहां से मिलेगा, ये बड़ा सवाल था और इसीलिए उसने अपने कई दोस्तों से बातचीत की थी और सारे फोन ले जाकर के उसने राजस्थान में।
पुनीत, यानी कि ये बात तो क्लियर है कि सिर्फ ललित झा और कुछ और लोग ही नहीं बल्कि और भी कई लोग हैं जो कि मददगार बने और इस पूरी घटना में शामिल रहे थे, जो कि पूछताछ में एक एक करके नाम भी सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका पुनीत, आगे भी नजर बनाए रखिएगा। और इस बीच अपडेट ये भी है कि आरोपी ललित पर एक और खुलासा हुआ है। ललित ने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की थी, ये जानकारी मिल रही है कि वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी और कहा जा रहा है कि ललित ही मास्टरमाइंड था, क्योंकि इससे पूछताछ में कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। ललित झा ने कहा है कि चार आरोपियों के फोन उसने नष्ट कर दिए थे, क्योंकि यह पता था कि फोन के जरिए कई बड़े सुराग पुलिस के हाथ लग सकते हैं। तो देखिए, संसद सुरक्षा मामले के और आरोपी ललित झा को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि चार आरोपियों को कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया। संसद स्मोक कांड मामले में फरार आरोपी ललित झा ने कर्तव्य पथ थाने में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ललित झा वही शख्स है जो इस पूरे कांड में कभी सामने नहीं आया और माना जा रहा है कि वही मामले का मास्टरमाइंड हो सकता है। ललित ने ही चारों आरोपियों को गुरुग्राम बुलाया था, विक्की के घर में प्लान बनाया था। वारदात अंजाम देने के बाद वो चारों आरोपियों के फोन को भी अपने कब्जे में लेकर फरार हो गया था। वहीं स्मोक कांड को अंजाम देने वाले चार आरोपी मनोरंजन, सागर शर्मा, नीलम और अमोल शिंदे को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। और वही राजस्थान में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। पीएम मोदी सहित बीजेपी के कई दिग्गज नेता समारोह में शामिल होंगे। राजस्थान में आज राज्यपाल कलराज मिश्र, मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, रामदास अठावले सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के समय में बदलाव किया गया है। पहले शपथ ग्रहण 11:15 बजे होना था, लेकिन अब ये दोपहर 12:05 पर होगा। प्रशासन की ओर से शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लाखों बीजेपी कार्यकर्ता भी समारोह में शामिल होने जयपुर पहुंच रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हाथ काटने वाले आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया। 5 आरोपियों के 3 मकान ढा दिए गए। भोपाल में बीजेपी नेता के हाथ काटने वाले 5 आरोपियों के 3 घर गुरुवार को बुलडोजर चलाकर ढा दिए गए। एसडीएम आशुतोष गोस्वामी की अगुवाई में पहुंची नगर निगम की टीम ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया। जनता कॉलोनी में रहने वाले आरोपी फारूक राइन उर्फ मिन्नी, असलम, समीर उर्फ बिल्लू, शाहरुख और बिलाल ने बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र सिंह ठाकुर पर हमला किया था। आरोपियों ने 5 दिसंबर को तलवार से बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह ठाकुर पर जानलेवा हमला कर उनकी हथेली काट दी थी। हमले के 9वें दिन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। भोपाल के कलेक्टर ने एक आरोपी फारूक राइन उर्फ मिन्नी पर NSA लगाया था। उस पर मारपीट के 14 केस दर्ज हैं। और वही पंजाब के लुधियाना में एक फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग के चलते लाखों के नुकसान की खबर है। लुधियाना में एक फर्नीचर फैक्ट्री के गोदाम में गुरुवार रात आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने का कारण अभी तक शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आसपास के लोगों ने आग लगने की सूचना तुरंत फैक्ट्री मालिक और फायर ब्रिगेड को दी थी। आग लगने के कारण सारा माल राख हो गया। थाना फोकल पॉइंट की पुलिस भी मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक करीब 60 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 10-50-60 लाख रुपए का नुकसान, बाकी मालकम ज्यादा पता होगा, अजय कुछ नहीं पता लगा। अगर जान तो बार फिर पूछेंगे मालकम की गल होगी। बहुत 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 जल्दी आ गई है और 10-12 गड्डियां लग चुके हैं, काफी गड्डियां आ भी रही। और अब खबर असम से। असम के जोरहाट जिले में गुरुवार की शाम मिलिट्री स्टेशन के मेन गेट पर धमाका हो गया। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। असम के जोरहाट मिलिट्री स्टेशन के गेट के पास गुरुवार शाम धमाका होने से सनसनी फैल गई। धमाके की आवाज से लोग दहशत में आ गए। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें मामले की जांच में जुटी है। इस मामले पर डिफेंस PRO का कहना है कि आवाज कहां से आई और इसके पीछे क्या वजह है, इसका पता लगाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक धमाके के बाद से ही इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और पूरे शहर में गश्त बढ़ा दी गई है। हमले में उग्रवादी गुट उल्फा का हाथ माना जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही संगठन ने असम पुलिस को ऊपरी असम में 3 आतंकी हमले करने की खुली चिट्ठी देकर धमकी दी थी। और राजस्थान के बीकानेर में एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के पीछे कर्ज को वजह बताया जा रहा है। 5 लोगों की सामूहिक आत्महत्या के बाद मुक्ता प्रसाद कॉलोनी में सनसनी फैल गई। इनमें पति पत्नी सहित 3 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि हनुमान सोनी के परिवार ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। परिवार के 4 लोगों ने फंदे से लटक कर जान दी, वहीं एक ने जहर खाया। पुलिस जांच में जुटी है। पड़ोसी ने घटना की सूचना पुलिस को दी। SP तेजस्वी गौतम सहित पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की।
बताया जाता है कि पिछले 8 साल से अंत्योदय नगर में हनुमान सोनी का परिवार एक किराए के मकान पर रहता था। उसने गुरुवार शाम को यह खौफनाक कदम उठाया। अयोध्या में राम भक्त अब हवाई यात्रा कर भी रामलला के दर्शन कर पाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अब तैयार हो रहा है। रामनगरी अयोध्या में जहां एक ओर भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, वहीं राम भक्तों की सुविधा के लिए एयरपोर्ट भी बनाया गया है। एयरलाइन कंपनी इंडिगो 30 दिसंबर को राजधानी दिल्ली से अयोध्या एयरपोर्ट के लिए उद्घाटन उड़ान का परिचालन करेगी। दिल्ली से उद्घाटन उड़ान 3 दिसंबर 2023 को अयोध्या पहुंचेगी। इसके बाद अगले साल 6 जनवरी से दिल्ली और अयोध्या के बीच सीधी उड़ानें शुरू होंगी। राज्य के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि अयोध्या में राम भक्तों के स्वागत की तैयारी पूरी है। एयरपोर्ट भी बनकर तैयार है, रेलवे स्टेशन भी बनकर तैयार है और सड़कें भी बेहतर वर्ल्ड क्लास की बनकर तैयार। और अयोध्या में आज 42वां रामायण मेला चल रहा है। मेले में कई संतों के साथ भजन सम्राट अनूप जलोटा भी शामिल है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास अयोध्या के राम कथा पार्क में 42वें रामायण मेले का उद्घाटन किया। संतों का मानना है कि रामायण मेला हमारे धर्म और संस्कृति की जड़ों को मजबूत करने की एक कोशिश है कि हम अपने जीवन को और उसके मूल्यों को समझें। रामचरितमानस को यदि हम हृदयंगम करेंगे तो निश्चित रूप से समाज में हमें कहीं कोई नीचा नहीं दिखा सकता। समाज में हम किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। मेले के दौरान अयोध्या की गरिमा के अनुकूल विश्व स्तरीय बनाने का संकल्प दोहराया गया। और अयोध्या से आई एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर स्वर्ण जड़ित दरवाजे लगाने का वीडियो सामने आया है। फिलहाल दरवाजों को लगाने का ट्रायल किया जा रहा है। तस्वीरें जो सामने आई हैं वो इस वक्त आपके सामने हैं। तो आप देखिए राम मंदिर का निर्माण जो इस वक्त चल रहा है और पूरे जोर शोर के साथ। और एक और तस्वीर आई है निर्माण की, राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर की तस्वीर है जहाँ पर स्वर्ण जड़ित दरवाजा लगाने का वीडियो ये सामने आया है। फिलहाल दरवाजों को लगाने का इस वक्त ये ट्रायल है जो किया जा रहा है। इधर शाहरुख खान ने अपनी बेटी सुहाना के साथ शिरडी के साईं मंदिर में हाजिरी लगाई और अपनी आने वाली फिल्म डंकी की सफलता की कामना की। फिल्म डंकी की रिलीज से पहले बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान बेटी सुहाना के साथ शिरडी के साईं बाबा के दरबार पहुंचे, पूजा अर्चना की और बाबा का आशीर्वाद दिया। मंदिर में उनके साथ उनके मैनेजर पूजा ददलानी भी मौजूद थी। शाहरुख खान की ये फिल्म 21 दिसंबर को रिलीज हो रही है। उनके साथ तापसी पन्नू, विक्की कौशल और बोमन ईरानी भी नजर आएंगे। दीपिका पादुकोण गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर की पूजा करने के लिए तिरुमला पहुंची। उनके साथ उनकी बहन प्रोफेशनल गोल्फर अनिशा पादुकोण भी पहुंची। दोनों बहनों ने वेंकटेश्वर मंदिर में मत्था टेका और भगवान का आशीर्वाद लिया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला हुआ है। टैंक जिले में पुलिस मुख्यालय पर हमला, आत्मघाती विस्फोट में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला हुआ है। टैंक जिले में पुलिस मुख्यालय पर हमला, आत्मघाती विस्फोट में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पूर्वी गाजा में रात भर जारी रही इजरायली सेना की बमबारी। शुजा में निशाने पर हमास के ठिकाने, तेज रोशनी के साथ कई जगहों पर सुनी गई धमाके की आवाज। पूर्वी गाजा में कई दिनों से जारी है भीषण जंग। रात की बमबारी के बाद कई जगहों पर दिखाई दिया धुएं का गुबार। शुजा में आरडीएफ की आर्टिलरी ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा। हिजबुल्ला के ठिकाने पर इजरायली सेना का पिन पॉइंट हमला, एंटी टैंक मिसाइल चुन चुनकर हमला किया गया। इससे पहले आरडीएफ की चौकियों पर हिजबुल्ला ने किया था रॉकेट से हमला। गाजापट्टी के राफा में इजरायली एयरफोर्स की विस्फोटक बमबारी, कुवैती अस्पताल के पास हमले का आरोप, जोरदार धमाके से दहला राफा। लेबनान से इजरायल के सीमावर्ती शहरों पर हिजबुल्ला का भीषण हमला, उत्तरी सीमा पर आसमान में दिखे रॉकेट और मिसाइल, आईडीएफ के डिफेंस फोर्स ने हमले को नाकाम किया। साउथ इसराइल में एक्शन में आयरन डोम, हमास और हिजबुल्ला के रॉकेट हमलों को नाकाम करने का दावा, इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया वीडियो। हिजबुल्ला के ठिकानों पर इसराइल का प्लेटफार्म फाइटर जेट से लेबनन के यफ्ताह इलाके में मिसाइल अटैक किया, हिजबुल्ला का कम्युनिकेशन सेंटर तबाह करने का दावा। इसराइल के हमले से दहशत में लेबनानी जनता, आईडीएफ की बमबारी में एतारॉन शहर में 15 घर तबाह हो गए, सीमा के पास के कई गांव से पलायन शुरू हो गया। खान यूनिस में इसराइल ने मचाई तबाही, बिल्डिंग में
हमास के लड़ाकों के छिपे होने की खबर पर आईडीएफ पैराट्रूपर्स का विध्वंसक हमला, हेलीकॉप्टर से इमारत उड़ाया, कई लड़ाके ढेर किए गए। वेस्ट बैंक के जेनिन में आमने सामने की लड़ाई, हमास के लड़ाकों और इजरायली सेना के बीच भीषण गोलीबारी, डर से घरों में छिपी जनता। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में पांचवें आरोपी का सरेंडर, खुद कर्तव्य पथ थाने पहुंचा आरोपी ललित झा, वारदात के बाद संसद भवन से हुआ था फरार। ललित झा पर संसद में सेंधमारी का मास्टरमाइंड होने का शक, ललित ने ही तय की थी 13 दिसंबर की तारीख, अटैक का वीडियो शूट करके किया था अपलोड। संसद स्मोक कांड को सरकार ने माना आतंकी गतिविधि जैसी घटना, कोर्ट में दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा जूते में छिपाकर हुआ कलर बॉम्ब का इस्तेमाल। सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी और यूएपीए के तहत केस दर्ज, 7 दिन के रिमांड पर 4 आरोपी। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया गंभीर, पीएम ने मंत्रियों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए, कहा राजनीति में पड़ने की जरूरत नहीं। सुरक्षा चूक मामले पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा, लोकसभा से 13 और राज्यसभा से 1 सांसद सस्पेंड। सांसदों को सस्पेंड करने पर भड़की कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले ये लोकतंत्र का निलंबन है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने निलंबन की कार्रवाई के खिलाफ किया मौन प्रदर्शन, अमर्यादित आचरण के आरोप में डेरेक को पूरे सत्र के लिए किया गया निलंबित। संसद स्मोक कांड में टीवी 9 भारतवर्ष की दिल्ली से बंगाल तक पड़ताल, आरोपियों के घर पहुंचकर टीवी 9 ने परिजनों से बात की। भारत की राजकीय यात्रा पर आज दिल्ली पहुंचेंगे ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक, राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। वेस्ट बैंक के जेनिन में हमास ठिकाने पर आईडीएफ की रेड, संदिग्ध मस्जिद पर मोर्टार से हमला किया गया, मस्जिद के बेसमेंट से बरामद हुए भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार। वेस्ट बैंक के जेनिन में 60 घंटे तक चला आईडीएफ का एंटी टेरर ऑपरेशन, हमास के खिलाफ बड़ी कामयाबी का दावा, अलग अलग जगहों से रेड में बरामद हथियारों का वीडियो जारी। गाजा पर इजरायली एयरफोर्स की बारूदी बौछार, एक साथ 50 से ज्यादा ठिकानों पर बम बरसाए, आईडीएफ ने ड्रोन से बनाया हमले का वीडियो। इजरायली सेना के टारगेट पर है हमास के टॉप लीडर, 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड याहिया सिनवार पर 3,32,00,000 का इनाम, तो दाइफ के सिर पर 86,00,000 का इनाम घोषित। गाजा में जारी भीषण संघर्ष के बीच हमास का बड़ा ऐलान, लेबनान में हमास के प्रतिनिधि ओसामा हमदान ने कहा नहीं छोड़ेंगे प्रतिरोध, हम लंबे युद्ध के लिए तैयार। गाजा में इजरायली फाइटर जेट्स ने एक हफ्ते में किए 500 से ज्यादा हवाई हमले, आईडीएफ ने वीडियो जारी कर कहा ग्राउंड फोर्स की सफलता में एयरफोर्स की बड़ी भूमिका। गाजा से आईडीएफ का विध्वंसक ग्राउंड अटैक, इजरायली फोर्स की अंधाधुंध फायरिंग में हमास के कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। खान यूनिस से आगे बढ़ी गिफाती इन्फेंट्री ब्रिगेड, ट्रैप में फंसाकर इजरायली फौज पर हमास का बड़ा हमला, इजरायली सेना पर मोर्टार से हमला किया गया, हमास ने आईडीएफ की मिलिट्री व्हीकल को तबाह किया। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना पर घात लगाकर हमला किया गया, रिहायशी इलाके की इमारत में छिपकर हमला कर रहे हमास के लड़ाके। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट हमले के आरोपियों पर कसा शिकंजा, इराकी सुरक्षा बलों ने गिरफ्तारी का दावा किया, ईरान समर्थित मिलिशिया पर है 7 दिसंबर के हमले का आरोप। राजस्थान में नई सरकार का शपथ ग्रहण आज, पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई नेता रहेंगे मौजूद, जयपुर में तैयारियां हुई पूरी। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र राज्य के नए सीएम को पद गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा लेंगे डिप्टी सीएम की शपथ। ज्ञानवापी के बाद मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर का होगा सर्वे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी मंजूरी, वीडियोग्राफी का भी निर्देश दिया। मथुरा में शाही ईदगाह परिसर के सर्वे पर बोले ओवैसी, कहा यह कानूनी प्रक्रिया का मजाक, दशकों पहले मस्जिद समिति और मंदिर ट्रस्ट ने आपसी सहमति से सुलझाया था मामला। श्री कृष्ण विराजमान की ओर से दाखिल अर्जी पर सर्वे का तरीका क्या अपनाया जाए, इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट 18 दिसंबर को सुनवाई करेगा। फ्यूचर ऑफ न्यूज अवार्ड्स 2023 में बजा टीवी 9 भारतवर्ष का डंका, सभी को पीछे छोड़ते हुए 21 अवार्ड अपने नाम किए। सबसे पॉपुलर शो प्राइम टाइम और फिक्र आपकी ने सबको पीछे छोड़ा, जीता बेस्ट प्राइम टाइम शो का अवार्ड। शाम 7 बजे के शो सत्ता को बेस्ट कंटेंट करंट अफेयर प्रोग्राम से नवाजा गया, जबकि N5 एडिटर्स और अड़ी को बेस्ट टॉक शो का अवार्ड दिया गया। ब्रेकिंग न्यूज का अवार्ड लाउड एंड क्लियर को दिया गया, जबकि जेब का सर्वे को बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम का अवार्ड मिला। बेस्ट एंकर का अवार्ड निशांत चतुर्वेदी और गौरव अग्रवाल को दिया गया, वहीं बेस्ट न्यूज रिपोर्टर का अवार्ड मनीष झा समेत विपिन चौबे और अभिजीत ठाकुर को मिला। राफा के अल शबौरा शिविर पर आईडीएफ की जोरदार स्ट्राइक, रिहायशी इलाके में 3 की मौत, कई लोगों के जख्मी होने की खबर, गाजा के कुवैती अस्पताल में घायलों को किया गया भर्ती।
गाजा के राफा में मदद सामग्री के लिए लोगों में मची होड़। मिस्र से आए ट्रकों के पीछे दौड़ लगाते नजर आए फिलिस्तीन नागरिक। जंग में अभी तक 18,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की जा चुकी है जान। गाजा जंग पर इजरायली पीएम नेतन्याहू की दो टूक। हमास के सफाए तक हम गाजा में सैन्य कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध। उत्तरी गाजा में जंग को लेकर हमास के प्रवक्ता अबू बैदा का बड़ा दावा। पिछले 72 घंटे में मारे गए आईडीएफ के 36 जवान कसन। मुजाहिदीन ने 72 सैन्य वाहनों को भी नष्ट किया। उत्तरी गाजा में एक विस्फोट से अधिकारी समेत आईडीएफ के 8 जवान घायल हो गए। यहां पर जंग में अभी तक 116 सैनिकों की मौत का दावा। इसराइल के मिशन सुरंग पर हमास का पलटवार। बयान जारी करके कहा हमारी सुरंगें पानी पंप करने में सक्षम है, आईडीएफ की धमकियों से नहीं पड़ता कोई फर्क। उत्तरी गाजा में हमास की सुरंगों का आईडीएफ ने जारी किया एक्सक्लूसिव वीडियो। सुरंग के भीतर हमास के सैकड़ों लड़ाकों के शव होने का दावा। वेस्ट बैंक के नेबलस में इजरायली सेना के काफिले पर पेट्रोल बम से हमला। हमास समर्थकों के खिलाफ छापेमारी के दौरान यह हमला हुआ। वॉर जोन में घायल इजरायली जवानों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। गाजा से इजरायल के बेलसिन अस्पताल लाए गए कई घायल सैनिक। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ ने किया गाजा में जंगी फ्रंट का दौरा। शजिया में गिलानी ब्रिगेड के सैनिकों ने लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी से मुलाकात की।